वीडियो बनाते समय बहुत सारी गलतियाँ मुझसे हुई है एंड जानबूझ के मैं गलती नहीं कर रहा हूँ, मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ एंड जो भी मेरे पास नॉलेज है मैं आप लोग से शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो भी गलती अगर मुझसे हुई रहेगी तो उसके लिए सॉरी एंड बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। ओके कि इस वीडियो में मतलब मैं क्या डिस्टर्ब बोलने वाला था, डिस्कस करने वाला हूँ। देखो हर एक आर्टिस्ट जो होता है ना, चाहे वो बिगनर हो चाहे वो प्रोफेशनल हो, अभी मेरे को पता नहीं प्रोफेशनल लोग के साथ ऐसा होता होगा ऐसा होता होगा कि नहीं, बट एज अ बिगनर मैं देखूँ, देखो अभी मैं बिगनर में नहीं हूँ, ठीक है, मेरे को बहुत कुछ पता है, बहुत कुछ जानना बाकी है, बट एक चीज़ जो होती है ना कॉमन चीज़, ये पता है, ये मेरे को लगता है ऑलमोस्ट सभी के पास होता होगा, पाउच बोलो या बैग बोलो, बहुत लोग बैग भी लेते हैं, मैं पाउच लेके रखा हूँ, ठीक है। तो इस पाउच के अंदर ना कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो एक प्रोफेशनल लेवल का आर्टिस्ट हो या बिगनर लेवल का हो या सीख रहा हो, बीच वाला हो, ठीक है, जो मतलब कोई भी एक पर्सन हो, ठीक है, एक ड्राइंग में ड्राइंग करने वाला बंदा रहेगा या जिसको आर्ट में इंटरेस्ट होगा या आर्ट लवर होगा, जिसको जो ड्राइंग को या आर्ट को इस फील्ड को ऐसा हॉबी भी देखता है, ठीक है, तो ये एक ऐसा पाउच है ना जिसमें हर एक चीज़ें उपलब्ध है, ठीक है, मतलब अवेलेबल है। तो आज इसी पाउच में मतलब ये कोई ऐसा कोई ख़रीदा हुआ नहीं है, ये मेरा पाउच है एंड इसमें मैं कौन सी चीज़ें यूज़ करता हूँ, ठीक है। अगर आप लोग को ऐसा लगता है कि हाँ भाई तेरे आर्टवर्क्स तो अच्छे हैं या कैसे आर्टवर्क्स जो भी तू करता है क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल करता है, तो ये जो चीज़ है ना ये आज इसका खोलेंगे इसको एंड इसमें देखेंगे क्या क्या चीज़ है, ठीक है। तो एंड जब ये चीज़ मैं खोलूँगा, ठीक है, इस चीज़ में इस जो 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 चीज़ इसमें रहेगा, ठीक है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आपको लगेगा कि तो आप बाय कर सकते हो, ज़्यादा कुछ एक्सपेंसिव चीज़ नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हाँ बहुत महंगा कुछ नहीं है, ठीक है, जो भी है नॉर्मल है, मेरे को तो लगता होगा कि ऑलमोस्ट आपके पास होगा, ठीक है, सब चीज़ें होगी, बट कुछ चीज़ें अगर नहीं होगी तो मैं बस यही रेफर करूँगा कि आप वो चीज़ें आप अपने साथ रखो, ठीक है। तो वो सब चीज़ें ना आप अपने साथ रखो, क्योंकि ये सब ऐसी चीज़ें हैं ना जो आपको ना कभी मतलब डे टू डे लाइफ में कर रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, ठीक है, अगर आप मैं तो कभी कभी ना वॉल पेंटिंग जैसे आप पीछे देख रहे हो, जैसे मैंने वॉल पेंटिंग किया है, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो मैं यही सब चीज़ें मैं यूज़ करके कर लेता हूँ, ठीक है। अब इसमें कलर्स तो नहीं है बट कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके पास ज़रूर से ज़रूर होना ही चाहिए, ठीक है, एंड बहुत महंगे भी नहीं होते कि लाइक बहुत महंगे होते, कुछ महंगे होंगे भी तो मैं उसका भी तोड़ बता दूंगा कि हाँ उसके जगह पे आप अल्टरनेटिव बता दूंगा, मतलब कि आप वो भी यूज़ कर सकते हो। तो अभी वो खोलते हैं एंड देखते हैं क्या है, ठीक है, एंड ये तो अभी मैं पाउच अपना खोल रहा हूँ, ठीक है, ये पाउच है, देखो इसमें देखो कुछ इंपॉर्टेंट, देखो जो भी चीज़ यहाँ पर निकलेगी आपके सामने निकलेगी, ऐसा कुछ नहीं कि कुछ अलग चीज़ मैं दिखाऊंगा एंड रहेगा कुछ और, ठीक है, सब मैं आपको एक एक पहले निकाल देता हूँ, ठीक है, देखो जो भी है सब यहाँ पे सब आपके सामने है, जो भी, ठीक है, एकदम जो भी है एकदम, मतलब ऐसा नहीं कि दिखा रहा हूँ कुछ और हो, बता रहा हूँ कुछ और हो, दिखा रहा हूँ कुछ, देखो आपको यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर दिखेगा, सब चीज़ दिखेगा, ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं रखता हूँ, देखो और कुछ नहीं है, ठीक है, पाउच मेरा खाली होगा एंड पाउच भी ना अगर हो सके ना तो ऐसे अच्छी क्वालिटी का आप ले लेना, ठीक है, वैसे तो मुझे फ्री में मिला था, मेरे को पप्पा ने दिया था, ठीक है। तो अभी देखो इसमें से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ देखो मैं बताता रहता था, ठीक है, ये है जो, ठीक है, ये हमेशा आपके पास हो, ये ब्रश पेन बोलते हैं, ये आपको होना ही चाहिए, ठीक है, ये अगर आपके पास नहीं तो आप प्लीज़ ले लो, ये वाटर कलर करने के लिए सबसे बेस्ट होता है, ठीक है। फिर कुछ मेकअप ब्रश होते हैं ना, देखो मेकअप ब्रश ना ज़रूरी नहीं कि मेकअप ब्रश की मेकअप के लिए काम आए, ठीक है, ज़रूरी है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, भी ये दो चीज़ है, ठीक है, इसको मैं कभी कभी अगर पेंसिल स्केचिंग करता हो, ठीक है, ये मेरा पेंसिल स्केचिंग करता हो तो उसमें भी ये काम आ जाता है, और ये जो होता है ये कभी मैं रफ ऑफ करता हूँ, ये वाला ब्रश, ठीक है, ये वाला ब्रश, तो इससे ना क्या बोलते हैं साफ साफ करने के लिए भी काम आ जाता है। एंड फिर ये तो पता होगा आप लोग को, अगर नहीं पता तो ये होता है नीडेड इरेजर, ठीक है, ये बहुत इतना इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, काम चीज़ है, जो लोग स्केचिंग करते हैं उनके लिए तो भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। फिर कुछ शार्पनर हो गए, ठीक है, ये शार्पनर हो गए यहाँ पे,
जो जो मैं बता रहा हूँ उसको मैं सारे टकराऊँ, ठीक है। फिर चिल्लर रख लो, कभी कभी काम आ जाता है। पिंस भी कभी ना कभी कुछ ना कुछ काम आ जाते हैं, रखा करूँ साथ। फिर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ अगर देखा जाए ना, तो ये कटर, कटर जो होता है ना, ये बहुत काम आता है, ठीक है। अगर देखा जाए तो कटर इतना इंपॉर्टेंट आ जाता है ना वीडियो में, वीडियो में बोलो सॉरी, कटिंग करने के लिए। जैसे अगर आप कभी कोई पेंसिल शार्पनर नहीं रहता, ठीक है, तो कटर से ना बहुत अच्छे से हो जाता है, तो कटर भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है। फिर स्क्रू ड्राइवर पता नहीं किस लिए, पर रखा करो, कभी ना कभी कुछ ना कुछ काम आ सकता है। फिर अगर देखा जाए तो चारकोल पेंसिल एक रखा करो, ठीक है। कभी कभी क्या होता है ना, शेडिंग करने के लिए ना, मतलब अगर डार्क एरिया है, ठीक है, तो फटाफट करने के लिए आप चारकोल पेंसिल यूज कर सकते हो, ठीक है। ये अपना कौन सा, ये कैमलिन का है, ये एकदम ये ब्लू वाला है, ठीक है, मतलब एक हार्ड मीडियम और सॉफ्ट आता है, तो ये उसमें से एक है, ठीक है। फिर हाँ, ये ब्रश भी वही होता है, वो जो मैंने आपको बताया था ना, ये वाला उसके साथ भी था, ठीक है। फिर ये मार्कर आपको याद होगा, ये मार्कर भी बहुत यूज़फुल हो जाता है, कभी कभी इतना काम आ जाता है ना कि क्या ही बताऊँ। फिर उसके बाद देखा जाए, देखो ये माइक्रोन मतलब जो माइक्रोन पेन होता है ना, ठीक है, ये वैसे तो पता नहीं इतना, ये अब मानोगे नहीं, ये मुझे अकेला ये 100 रुपये का पड़ा था मुझे, ये 0.3 का है, 8 लाइन का है, ठीक है। इसका नीट मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, बहुत पतला है, देखो ये देखो ये बहुत लोग मतलब डूडलिंग करते हैं ना, उनके लिए तो बहुत काम हो सकता है, पर मैं देखूँ ना तो मैंने ये लेके रखा था, इस पर एक वीडियो बनाऊँगा मैं, सेपरेट वीडियो, डिटेल वीडियो बनाऊँगा इस चीज़ के ऊपर, ठीक है, कि ये लेना आपको ज़रूरत है कि नहीं, बट लेके मैंने रखा है, अगर आप भी हो सकता है तो ले लो, ये 100 रुपये का एक पड़ता है, तो मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा, अगर आपको लेना है तो ही लो, ठीक है, क्योंकि मेरे वैसे ज़्यादा काम नहीं आता है, पर क्या पता आपके काम आ सकता है, ठीक है। फिर अगर देखा जाए तो फिर ये लिड एंड ये कैमलिन का, ठीक है, ये बहुत काम आता है, ये पता नहीं मतलब बहुत सारे आप इसमें देखो, अलग अलग बहुत महंगे भी आते हैं, एंड सबसे सस्ता कैमलिन का ही, ठीक है। ये कुछ मुझे ये अगर देखा जाए पेन, तो ये कुछ 10-15-20 के अंदर आ जाता है, और ये इसका लीड जो रहेगा ये 9-10 रुपये का जो भी रहेगा मिल जाएगा, ठीक है। अभी तो शायद से कुछ पहले तो मैं सस्ता था, अभी तो इसका प्राइस कितना था पहले 5 रुपये, बट अब शायद से कुछ बढ़ गया रहेगा, सब चीज़ महंगाई बढ़ते जा रही है, तो इसका भी बढ़ ही गया होगा। फिर एक दो इरेजर था, ठीक है, ये इरेजर जो मैंने आपको पहले दिखाया, ठीक है, ये तो होना ही चाहिए आपके पास, ठीक है, ये तो अगर कर रहे हो तो अच्छा है, ये इरेजर भी आप हमेशा रखोगे। अगर ये देखो, ये नॉर्मल इरेजर तो सभी के पास होता है, ठीक है, बट ये ना कभी भी आप रखा करो, ये बहुत यूज़फुल चीज़ है। लाइक अगर आप ना इसको ऐसा पतला पतला कर लोगे ना, ठीक है, अगर आप कहीं पतला सा शार्प रफ करना है, तो ये बहुत काम आ सकता है। फिर उसके बाद देखा जाए तो ग्लास मार्किंग पेंसिल कुछ है, ये रखा करो आप साथ में, ठीक है, पाउच में हमेशा। फिर स्टम्स भी बहुत काम की चीज़ आ जाती है कभी कभी शेडिंग करने में, ठीक है। फिर ये देखा जाए तो फिर ये कुछ नॉर्मल मार्कर्स है, ठीक है, ये सब मार्कर्स है, ये सब तो आपको काम आ ही जाएंगे, ठीक है, ये सब तो बहुत काम आते हैं। अभी ये एक एक मार्कर 10 रुपये का था, ठीक है, एंड ये जो मार्कर जहाँ था ये 100 रुपये का एक था, ठीक है, बट डिफरेंस क्या है, कुछ तो डिफरेंस होगा ना, इसलिए तो इसकी वैल्यू 100 रुपये है एंड ये 10 रुपये है, ठीक है। इस पर मैं ये दोनों का एक कंपेयर एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है, कौन सा सस्ता पड़ता है, अच्छा पड़ता है, ठीक है। देखो सस्ता तो हमेशा कैमलिन ये वाला पड़ेगा, और महंगा ये वाला पड़ेगा, बट फिर भी देखते हैं कौन सा बेस्ट पड़ता है ना, वो भी डिपेंड करता है ना लोगों के ऊपर, यूज़ करने के ऊपर रहता है। देखो फिर ये आता है एक यूनिबॉल का, ये मतलब ये भी बहुत अच्छा है, मतलब अगर देखा जाए ना तो ये वाइट अगर कुछ आप स्केचिंग कर रहे हैं वहाँ पर वाइट कलर अगर डिटेलिंग करना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आता है। देखो ये जेल टाइप होता है एंड बहुत अच्छा, मतलब अच्छा क्वालिटी का होता है। एंड अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर मैं देखूँ, ठीक है, ये मेरा अगर सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं चीज़ देखूँ, ठीक है, एक आर्टिस्ट के, तो मेरे को तो लगता है ना ये बहुत बहुत अभी ये जो है ये इसको एक्सटेंडर बोलते हैं, ठीक है। अगर इसको मैं खोलूँ, ठीक है, अगर खोलूँ तो आपको लगेगा कि पेंसिल बहुत बड़ा है, ठीक है, पर पेंसिल इतना छोटा है ना, मतलब क्या ही बताओ। देखो पेंसिल अगर आप देख पा रहे हो ना, तो पेंसिल इतनी छोटी है, फिर भी अगर इसको मैं इसको इसमें लगा के ना यूज़ करता हूँ ना, तो देखो कितना बड़ा है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। फिर ये ब्लैक जेल पेन रखा करो, ये भी बहुत काम आ जाता है, ये भी 70 रुपीज़ का मेरे को पड़ा था, ठीक है, 0.7 का है, ठीक है, 0.7 साइज़ है इसका, एंड ये नॉर्मल ब्लैक पेन, ये भी बहुत काम आ जाता है। ये तो सस्ता ही है, पर
काम जब आता है ना तो कसम से बोलो उसने अभी महंगा ऐसा कुछ नहीं कहा था। फिर एक स्केल रखा करो, एक एक्स्ट्रा पेंसिल रखा करो हमेशा, एंड ये हमेशा रखा करो। ये अब ये बोलोगे ये तो धागा है या ये किस काम के लिए, देखो ये चीज़ जो होती है ना ये सर्कल बनाने के लिए बहुत काम आता है, ठीक है। अब वो कैसे आता है वो सब मैं किसी और दिन बताऊँगा, ठीक है। तो इतना इंपॉर्टेंट चीज़ ये सब। फिर फेविकॉल फेविक्विक रखा करो, ये मतलब फेविक्विक बोल रहा हूँ, ये गम रखा करो ऐसे टाइप के गम, नॉर्मल भी आप रख सकते हो ऐसे वाले, ठीक है। फिर और देखा जाए तो देखो ये सब ब्रश व्रश मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है। एंड ये इसको भी पता मैंने यहाँ पे जुगाड़ लगा के क्या, अब जो वीडियो में शूट करता हूँ ना इसको मैं ऐसे यहाँ पे ऐसे रखता हूँ एंड यहाँ पे ना ऐसे मोबाइल अपना रख देता हूँ, ठीक है। एंड बाकी ये अपना कुछ सेटअप है और ये आज मैं आर्टवर्क कर रहा था, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। कैसा लग रहा है ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया है तो, एंड ये माइक लिया था उसके ऊपर भी अलग वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। तो अभी वीडियो को एंड करते हैं। एंड ये जितने भी मटेरियल्स मैंने बताए, ठीक है, ये सब जितने भी मटेरियल्स मैंने बताए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबका यूजेस क्या होते हैं उस पर कभी और मैं वीडियो बनाऊंगा, बट इतना तो कम से कम आपके पास होना ही चाहिए, बेसिक लेवल की चीज़ें, ठीक है। और कुछ अगर मुझसे छूट गया होगा तो आप मुझे बता सकते हो। हाँ, कटर का मैंने बताया था, कटर ऐसे टाइप के भी कटर, अगर ऐसे ऐसे कटर भी होते तो भी ठीक है, हाँ। बट ये जो कटर होता है ये बहुत यूज़फुल होता है, इसको ना आप इसको मतलब यूज़ भी, मतलब कैसा होता है ना इसको आप निकाल के ना वो भी कर सकते हो, मतलब इसके साथ आपको एक्स्ट्रा ये भी मिलता है, ठीक है, नाइफ भी मिलता है, तो ये बहुत यूज़फुल चीज़ है, ठीक है। अब वीडियो को मैं एंड करता हूँ। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ था, हमेशा आप अपने साथ कभी भी ना एक ऐसा टिश्यू या कुछ भी ऐसा रखा करें, क्योंकि कभी ना कभी क्या होता है ना कुछ आप काम करते हो कुछ गंदा हो जाता है, तो ये सब चीज़ें ना आपको एटलीस्ट रखना ही चाहिए, ठीक है। तो वीडियो को मैं एंड करता हूँ, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।